दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और हमारे भारत देश में मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि गुजरात में इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है जिसमें लोग पतंग उड़ाते हैं। पंजाब में इस दिन को वैसाखी के नाम से मनाया जाता है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो इस त्यौहार को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीकों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति भारत के अलावा कुछ और देशों में भी मनाई जाती है? तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे जहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेपाल। दोस्तों भारत की तरह नेपाल में भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम और तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन नेपाल के किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं और अपनी दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए नेपाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों और किसानों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति और सूर्योत्तरायण भी कहा जाता है और नेपाल के थारू समुदाय के लोग मकर संक्रांति को माघी नाम से भी जानते हैं। मकर संक्रांति थारू समुदाय का मुख्य त्यौहार है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी भी देती है। इस दिन नेपाल के लोग मंदिर में पूजा करते हैं, दान धर्म करते हैं और नदी में स्नान भी करते हैं। थाईलैंड। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के लोग भी मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाते हैं, जिसमें से थाईलैंड भी एक ऐसा देश है जहां पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। थाईलैंड में इस त्यौहार को सोंकर्ण के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहां की संस्कृति भारत की संस्कृति से काफ़ी अलग है। थाईलैंड में हर राजा के समय अलग अलग तरह की पतंग हुआ करती थी, जिसे मकर संक्रांति के दिन पुरोहित और भिक्षु देश में शांति और समृद्धि के लिए उड़ाते थे। और आज भी थाईलैंड के लोग अपनी प्रार्थना भगवान को पहुँचाने के लिए इस दिन पतंग उड़ाते हैं। म्यांमार। दोस्तों म्यांमार में मकर संक्रांति को थीन ज्ञान के नाम से जाना जाता है और म्यांमार में यह त्यौहार बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और लगभग 3 से 4 दिनों तक यह त्यौहार चलता है। म्यांमार में यह त्यौहार नया साल आने की खुशी में मनाया जाता है। श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका में भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन उसे मनाने का तरीका भारतीय संस्कृति से थोड़ा अलग है। यहाँ पर इस त्यौहार को उदाहवर थिरुनल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में इस त्यौहार को पोंगल नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग भी यहाँ पर श्रीलंका में रहते हैं। कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया भी एक ऐसा देश है जहाँ पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। कंबोडिया में मकर संक्रांति को मोहा संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर यह त्यौहार नया साल आने की खुशी में और पूरा साल भर अच्छा माहौल बना रहे इसलिए मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।